बिहार में भी एक जगह सोने का भंडार है, लेकिन वहाँ से सोना निकालना लगभग नामुमकिन है। दरअसल वहाँ एक रहस्यमय दरवाजा है जिसे आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। कई बार इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। दरअसल वो सोना भंडार कहीं और नहीं बल्कि नालंदा के राजगीर में है। राजगीर में अनेक गुफाएं हैं, जिसमें एक स्वर्ण भंडार भी है। इसमें एक विशाल दरवाजा है जिसमें अकूत संपत्ति छिपी है, जो सदियों से बंद इस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं पाया। कहा जाता है कि ये खजाना महाभारत कालीन राजा जरासंध का है। वहीं कुछ लोग इसे मगध साम्राज्य के राजा बिंबसार का भी मानते हैं। बिंबसार के कार्यकाल के दौरान कई राजाओं ने उनकी अधीनस्था स्वीकार की थी और अपनी संपत्ति राजा को समर्पित की थी। महल में रहते हुए बिंबसार के दुश्मनों की भी कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिभार गिरी पर्वत के आसपास अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया, जहां उन्होंने महल का सारा सोना हीरे और जवाहरात सुरक्षित रखे। इन गुफाओं की सुरक्षा के लिए राजा का सबसे अच्छा सैनिक दस्ता हर वक्त वहां तैनात रहता था। इन गुफाओं का निर्माण और खजाने को रखने के राज के बारे में भी विश्वसनीय सैनिकों के अलावा किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। सोना भंडार गुफा में प्रवेश करते ही पहले एक बड़ा सा कमरा आता है। कहते हैं कि ये कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इस कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है। इसका द्वार एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कहा जाता है कि इसमें ही खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बिंबसार के खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक पहुंच जाता है, जो सोना भंडार गुफा की दूसरी ओर पहुंचती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने एक बार तोप से खजाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाए। तोप के गोले के निशान आज भी दरवाजे पर मौजूद है। बिंबसार को राजगीर में ही गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका संरक्षण करने का निर्णय लिया। इस बात से बिंबसार का पुत्र आजात शत्रु नाराज था। वो जल्द से जल्द राजा बनना चाहता था, साथ ही अपने पूर्वजों के खजाने का भी पता लगाना चाहता था। उसने अपने ही पिता को बंदी बनवा लिया और तब तक उन्हें भोजन नहीं दिया जब तक वे खजाने का पता नहीं बता दे। बिंबसार ने आखिरी वक्त तक मुंह बंद रखा और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तब से ये खजाना एक राज ही बना हुआ है। खजाने का दरवाजा खोलने की विधि केवल बिंबसार जानता था। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक कोई भी दरवाजे के पीछे का रहस्य नहीं जान पाया। गुफा के खजाने से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। वायु पुराण के अनुसार हर्यक वंश के शासक ने करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता बृहद्रथ का शासन था। बृहद्रथ के बाद जरासंध सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर वो 100 राज्यों को पराजित करने निकल पड़ा। जरासंध ने 80 से अधिक राजाओं को पराजित कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वायु पुराण के अनुसार इस संपत्ति को उसने विभार गिरी पर्वत की तलहटी के गुफा में छिपा दिया। जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने के लक्ष्य पर पहुंचे। इसके पहले पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जरासंध की भीम से 13 दिनों तक युद्ध चली। भगवान श्री कृष्ण की बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। उसकी मौत के साथ गुफा में रखे उसके खजाने का राज भी दफन हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में तोप के गोले से विस्फोट कर गुफा के भीतर जाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। समय समय पर और भी कई कोशिशें हुई, लेकिन गुफा की सच्चाई आज तक रहस्य ही रही। गुफा की दीवार पर कुछ गुप्त शिलालेख भी हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इन शिलालेखों को पढ़ लेगा वो खजाने का रास्ता ढूंढ लेगा। अगले हफ्ते
फिर किसी दूसरे जिले की अनोखी बातों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक बने रहें बिहार इंसोर्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।